ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का पिकऑफ फोटो एडिटिंग। तो गाइस, जिगर वांद्रे वाले ने कुछ टाइम पहले अभी अपने इंस्टाग्राम पे अपने फोटो को पोस्ट किया था, तब गाइस आप लोगों का मेरे को मैसेजेस भी आए थे, बट गाइस कुछ कॉन्सेप्ट मेरे पास पहले से पेंडिंग पड़े थे तो जिसकी वजह से गाइस मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बना पाया था। बट गाइस, अब मैं आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आ चुका हूं। एंड गाइस, ऐसे ही आप लोग मेरे को डीएम कर दिया करो, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पसंद आ जाता है तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली डीएम कर दिया करो या फिर उस कमेंट के नीचे जाके मेरे को मेंशन कर दिया करो, मैं आपके लिए उसका ट्यूटोरियल ला दूंगा, ठीक है? तो आप लोग ऐसे कर लेना। एंड बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए होता है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लें। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, बैकग्राउंड को देख के बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि गाइस अभी मैं आप सभी को जब हम फोटो कहाँ पे एडिट कर लेंगे तो गाइस उसके बाद आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे मॉडल कहाँ पे सिंपली ऐड कर लेते हैं अपने। एंड गाइस, मॉडल का कटआउट जो मैंने पहले से कर रखा है, जिसको कटआउट करना नहीं आता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना इजीली। देन गाइस, आपको फिर क्या करना, आपको अपने मॉडल को यहाँ पे ले जाके गाइस आपको ले जाना है यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन में इफेक्ट में ले जाके, एंड यहाँ पे आपको जाना है ब्राइटनेस में। एंड गाइस, इसको आपको ना अपनी फोटो का ब्राइटनेस है जो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना इजीली, ठीक है? अगर आपका ब्राइटनेस पहले से ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर करना हो तो आप यहीं से जाके करना, ठीक है? उसके बाद गाइस, यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ से जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना गाइस आपको ये पिकॉक, ठीक है? तो उसके बाद आपको जब ये ऐड करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहले गाइस, आपको यहाँ पे मॉडल का साइज है जो कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है? मतलब कि साइज इस तरीके से रखना है कि जब आप गाइस इस पिकॉक का पीएनजी लोगे तो गाइस ये पूरा फील करना आपको पूरे स्क्रीन पे, एंड इसके हिसाब से आपको मॉडल का जो है आपको साइज रखना है। तो जैसे गाइस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आपको साइज कितना रखना है। तो गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे साइज रखना है, जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। अब गाइस आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रखने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको कर देना सिंपली डन, ठीक है? इतना हो जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा ब्लर वाले ग्रास के पीएनजी, आपको सिंपली यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से ऐड कर देना है एंड ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आप सभी को जाना है ऐसे ब्यूटी वाले ऑप्शन में। एंड गाइस, उसके बाद जाना आप सभी को यहाँ पे आई वाले ऑप्शन में, ठीक है? आई कलर है जो, इसमें चले जाना है आपको सिंपली। एंड गाइस, यहाँ से आप सभी को जो है मतलब ब्लू कलर का जो आई का आई है यहाँ पे आपको सिंपली इसको ले लेना है, या फिर आपको नीचे से चेंज भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको ये फर्स्ट वाला ही ले लेना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे रेजर टूल में जाकर पहले इस साइड की रेस कर लेना है। एंड जो गाइस ये वाला हुआ है इसको आपको सिंपली अपने आई के पास ऐसे रखना है, एंड रेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश लेना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली अपने आई के ऊपर कुछ इस तरीके से पेंट कर देना है। ओके गाइस, जब आप ऐसे पेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको सिंपली डन करना है, ठीक है? एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से आपकी आई यहाँ पे लग जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को सिंपली डन कर लेना है, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस जाना आप सभी को फिर टूल्स में, थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हम चलते हैं टूल्स में, एंड यहाँ से टूल्स में जाने के बाद गाइस जाना आपको एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना आपको सैचुरेशन में। एंड उसके बाद गाइस आपको उसका सैचुरेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर देना है, एंड जो टेम्परेचर है गाइस इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना ताकि थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाए, ठीक है? फिर इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है। एंड गाइस इसको लेके चलना है ऐसे आप सभी को लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस रीटच के बिना हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब गाइस आपको जाना है सिंपली लाइट वाले ऑप्शन में। एंड गाइस इसका आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस इसकी जो हाईलाइट है आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर गाइस जो थोड़ा शेडो है आपको इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस ब्लैक इसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर गाइस जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो का वाइब्रेशन बढ़ाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको कलर मिक्स में जाना है, यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ से गाइस जाना आपको ग्रीन कलर में, आपको गाइस यहाँ पे थोड़ा ग्रीन का जो ह्यू बढ़ा देना है, एंड सैचुरेशन बढ़ा देना है। फिर गाइस यहाँ पे जाना आपको येलो कलर में, एंड इसका भी ह्यू आपको प्लस कर देना है, एंड उसके बाद सैचुरेशन भी प्लस कर देना है। फिर गाइस जाना आपको डार्क ब्लू में, यहाँ पे गाइस आप ह्यू जो है आप चेंज कर सकते हो, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू एंड पर्पल कलर वो भी कर सकते हो, तो आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है? तो ब्लू कलर में मेरे को ज़्यादा को समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपसे जाना आपको नीचे वाले टूल में। फिर उसके बाद आपको जो फोटो क्लियरिटी है आपको उसको इंक्रीज करना है। एंड गाइस फोटो में डाल देना है विग्नेट, ठीक है? अपने हिसाब से डाल देना जितना विग्नेट डालना चाहो। फिर उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन अमाउंट, आपको सिंपली इसको बढ़ा देना है। एंड जाना नीचे वाले टूल में, आपको हमें मिलेगी शार्पनेस, आपको शार्पनेस इंक्रीज करना है, नोड रिडक्शन को भी इंक्रीज करना है। फिर उसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।